हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव आपका स्वागत करता हूँ इंग्लिश लिटरेचर अड्डा पर। यहाँ आपको मिलेंगे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड एमसीक्यूज बड़ी संख्या में, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की फेमस प्ले ट्वेल्थ नाइट से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि होंगे 50+। और ये एमसीक्यूज BA MA TGT PGT DSSSB एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहें हमारे चैनल पर, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज ओरिजिनो इन लव विद एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर ओलिविया, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द कोट इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। राइट ऑप्शन सी, सी राइट ऑप्शन है लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज ट्वेल्थ नाइट टेक प्लेस, मतलब जो ये ट्वेल्थ नाइट प्ले है इसकी सेटिंग कहाँ है? तो राइट ऑप्शन है डी, इलीरिया। ये कहाँ पे सेट हुआ है? इलीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज ओलिविया अनविलिंग टू रिसीव एनी विजिटर्स? द राइट ऑप्शन इज डी, शी इज इन मॉर्निंग फॉर हर डैड ब्रदर। क्या क्वेश्चन है? वाई इज ओलिविया अनविलिंग टू रिसीव एनी विजिटर्स? जो ओलिविया है वो किसी भी विजिटर से या जो भी आते थे मिलने के लिए उनसे क्यों नहीं मिलती थी, खासकर आदमियों से क्यों नहीं मिलती थी जो मेल विजिटर्स होते थे? क्योंकि उसका भाई मर गया था और उसने कसम खा रखी थी कि मैं, कुछ पीरियड था 6-7 साल कि उस टाइम तक मैं किसी का भी मुंह नहीं देखूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज वोयला केम टू बी एट ओरिजिनोज कोर्ट? द राइट ऑप्शन इज ए, शी इज शिपरैक्ड नियर बाय। हाउ डज वोयला कम टू बी एट ओरिजिनोज कोर्ट, मतलब जो वोयला है वो ओरिजिनो किंग ओरिजिनो के कोर्ट में कैसे आई? तो हम सभी को, हमने ये पढ़ रखा है, उनका जहाज जो है टूट गया था, डूब गया था, इस वजह से वो इलीरिया आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सर एंड्रयू ओपचैक स्टेइंग एट ओलिवियाज होम? द राइट ऑप्शन इज सी, ही इज ट्राइंग टू कोर्ट ओलिविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज वोयला डिस्गाइज हरसेल्फ? जो वोयला थी उसने अपने आप को कैसे अपना बेस बदला, किस प्रकार? राइट ऑप्शन क्या है? शी पुट्स ऑन मेकअप टू मेक हरसेल्फ रिजेंबल एन ओल्ड वुमेन। नहीं, गलत। ऑप्शन बी राइट है इसमें, शी ड्रेसेस लाइक अ मैन। उसने क्या करा था वोयला ने, वो अपने भाई के जैसे कपड़े पहनने लगी क्योंकि उन दोनों की शक्ल एक जैसी थी, तो इसलिए वो अपने भाई की नकल करने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मॉलवोलियोज पोजीशन? जो मॉलवोलियो है उसकी क्या पोजीशन थी, क्या पोस्ट थी? तो जो राइट ऑप्शन है वो होगा डी, इज ओलिवियाज स्टुअर्ड। ऑप्शन डी इज राइट। इसमें जो ये स्टूवर्ड वर्ड है इसका मीनिंग है प्रबंधक, मैनेजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सर टोबीज ग्रेट वाइस? द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 9, ए ही इज ड्रंकार्ड। इनकी, सर टोबी की सबसे बड़ी बुराई क्या थी? वो एक बहुत बड़े पियक्कड़ थे, शराबी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज ओरिजिनो सेंड टू कैरी हिज मैसेज टू ओलिविया? द राइट ऑप्शन इज सी, वोयला डिस्गाइज्ड एज सिजारियो। मैंने बताया था कि वोयला क्या एक आदमी बन गई थी और अपना नाम क्या रख लिया था वोयला ने, सिजारियो रख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज वोयला फॉल इन लव विद? द राइट ऑप्शन इज बी, ओरिजिनो। जो वोयला है जिसने, जो जो आदमी बन गई थी, आदमी का भेस भर लिया था, वो किसके प्रेम में पड़ गई थी? ओरिजिनो के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज ओलिविया फॉल इन लव विद? और ओलिविया को किससे प्रेम हुआ था? वोयला से, मतलब जो कि लड़की थी और लड़के का भेस बना रखा था, तो उसको, ओलिविया को इस वोयला से प्यार हो गया था जो कि इसको आदमी समझ रही थी ओलिविया। वही सेबेस्टियन, सेबेस्टियन कौन था? ये था वोयला का भाई, और ये दोनों एक जैसे थे क्योंकि ये ट्विन थे, जुड़वा थे। वोयला और जो सेबेस्टियन है, बहन भाई थे, एक जैसे थे एकदम हूबहू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
who forges the letter that Malvolio think is from Olivia? The right option is C, Maria. Malvolio के सामने जो letter था वो किसने गिराया था, प्रेम पत्र, वो गिराया था मारिया ने, और उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो ओलिविया इनकी जो मालकिन है मारिया की, कि ये जो ओलिविया है इनकी मालकिन मालवोलियो से प्रेम करती है, तो ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ था उसमें, और इसका बेवकूफ बनाने के लिए डालते हैं मालवोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फोर्थ लेटर मेक मालवोलियो बिलीव? राइट ऑप्शन इज डी, दैट ओलिविया इज इन लव विद हिम। और उस लेटर में क्या लिखा हुआ था उन्होंने, मारिया ने क्या लिखा हुआ था उसमें, लिखा हुआ था कि ओलिविया को तुमसे प्रेम है, और इसका बेवकूफ बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टेक्स केयर ऑफ सेबास्टियन आफ्टर ही इज शिपरैक? द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 16 डी, एंटोनियो। जो सेबास्टियन है उसकी देखभाल कौन करता है जब जहाज टूट जाता है? एंटोनियो, उस जहाज का कप्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चैलेंजेस सिजारियो टू अ ड्यूल? ड्यूल के लिए सिजारियो को कौन कौन चैलेंज करता है? जो राइट ऑप्शन है वो है बी, सर एंड्रयू। कौन चैलेंज करता है सिजारियो को? सर एंड्रयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मालवोलियो वियर इन द होप ऑफ प्लीजिंग ओलिविया? द राइट ऑप्शन इज सी, येलो स्टॉकिंग्स एंड क्रॉस्ड गार्टर्स। वो तो लेटर में लिखा हुआ था तो इसलिए वो ये ऐसे ही कपड़े पहन लेता है रंग बिरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एंटोनियो ट्रेवल टू इलीरिया? द राइट ऑप्शन इज ए, टू बी क्लोज टू सेबास्टियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज सर एंड्रयू ट्राई टू फाइट विद सेबास्टियन? द राइट ऑप्शन इज डी, ही थिंक्स दैट सेबास्टियन इज सिजारियो। जो सर एंड्रयू है वो सेबास्टियन जो वोइला का भाई था उसके साथ क्यों लड़ रहा है? क्योंकि सर एंड्रयू सोचता है कि ये कौन है, सिजारियो है, और सिजारियो कौन बन रहा था? वोइला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू सर टोबी एंड द अदर्स डू टू मालवोलियो? द राइट ऑप्शन इज बी, दे लॉक हिम इन द डार्क रूम एंड टेल हिम ही इज मैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्गाइज डज फिस्ट वियर व्हेन ही स्पीक्स विद मालवोलियो? द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 22 सी, सर टोपाज द क्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज ओलिविया मैरी? द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 23 ए, सेबास्टियन। जो ओलिविया है वो किससे शादी करती है? सेबास्टियन। और सेबास्टियन कौन था? ये था वोइला का भाई। और वोइला कौन थी? एक लड़की थी जो कि सिजारियो मतलब एक आदमी बन गई थी, और किंग और जो ओरिजिनो था उसके यहाँ पर काम पर लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ही रियलाइजेस दैट सिजारियो इज अ वुमन व्हाट डज ओरिजिनो डू? द राइट ऑप्शन इज डी, ही डिसाइडेड टू मैरी हर। तो जब जो ओरिजिनो है उसको पता चलता है कि सिजारियो एक औरत है, एक लेडी है, तो वो क्या करता है, वो उससे शादी करने का निश्चय कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर डज नॉट गेट मैरिड और प्लान टू एट द एंड ऑफ द प्ले? द राइट ऑप्शन इज डी, मालवोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ 12th नाइट रेफर्स टू द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 26 डी, ऑल ऑफ दीज। क्या क्या है? 12th नाइट ऑफ क्रिसमस, ईव ऑफ एपिफेनी, द डे दैट कोमेमोरेट्स द विजिट ऑफ द मैगी टू द बेबी जीसस। ऑल ऑफ दीज इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th नाइट और व्हाट यू विल इज अ रोमांटिक कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन अराउंड? द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 27 ए, द राइट ऑप्शन इज ए, 1601 1602। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर सेंटर्स ऑन द ट्विंस वोइला एंड सेबास्टियन हु आर सेपरेटेड इन अ शिपरैक? द राइट ऑप्शन इज डी, 12th नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th नाइट बोरोज मैनी कन्वेंशंस फ्रॉम एन इटालियन फॉर्म ऑफ कॉमेडी? द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 29 ए, कॉमेडिया डेल आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर प्रोबेबली रोट 12th नाइट ऑफ हिज करियर? द राइट ऑप्शन इज बी, इन द मिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 12th नाइट्स अल्टरनेट टाइटल? द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 31 ए, व्हाट यू विल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वॉट हॉलीडे इज द टर्म 12th नाइट प्रोबेबली अ रेफरेंस टू? द राइट ऑप्शन इज सी एपिफेनी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अलोंग विद एज यू लाइक इट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस 12th नाइट इज रेफर्ड टू एज वन ऑफ शेक्सपियर्स सो कॉल्ड प्लेज. द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 33 डी ट्रांसवेस्टी ट्रांसवेस्टाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैनी ऑफ एलिमेंट्स इन द प्लेस सीम टू बी ड्रॉन फ्रॉम विच अर्लियर वर्क. द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 34 बी किलिंग कनाटी इटाली. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डज वायलेट डिसगाइज हरसेल्फ एज अ मैन. द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 35 बी टू फाइंड वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज ट्राइंग टू कोर्ट ओलिविया एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले. द राइट ऑप्शन इज डी ड्यूक ओरिजिनो एंड सर एंड्रू ऑस्जैक. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु ट्रिक्स मालवोलियो इनटू थिंकिंग दैट ओलिविया लव्स हिम. द राइट ऑप्शन इज ए मारिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ कैन ओरिजिनोज अफेक्शंस टुवर्ड्स ओलिविया बी डिफाइंड. द राइट ऑप्शन इज बी ऑब्सेस्ड विद लव इट्सेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज ओलिविया इन मॉर्निंग फॉर हिज ब्रदर हर ब्रदर. ऑप्शन डी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉट बेस्ट डिस्क्राइब्स मालवोलियोज कैरेक्टर. द राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 40 डी आंसर ए बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉट डज मारिया अचीव दैट मालवोलियो डज नॉट. द राइट ऑप्शन इज 41 बी राइजिंग इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉट डज वोयला हैव इन कॉमन विद मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स हीरोइंस. द राइट ऑप्शन इज सी शी इज वेरी लाइकेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओरिजिनो एंड ओलिविया हैव सिमिलर पर्सनैलिटीज विच ट्रेट डू दे शेयर. द राइट ऑप्शन इज 43 डी सेल्फ इन्वॉल्वमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which character serves to break both Orzino and Olivia out of their self-involvement? The right option is 44 B. Voila. Next question. What aspect of Malvolio's personality are revealed through the course of the play? The right option is 45 D. His ambition and self-regard. Next question. When Malvolio is brought out of the dark room at the end of the play, what do his captors do? The right option is C. Refuse to apologize. Next question. How do many of the characters in the play view love? The right option is 47A. As a necessary evil. Next question. In which characters can we find echoes of the homo eroticism between Duke Orzino and Voila as Cesario? The right option is question number 48 D. Antonio and Sebastian. Next question. What spirit does the feast of 12th night embody? The right option is A. Social upheaval. Next question. What purpose do letters serve in the play? The right option is B. Communication and miscommunication. Next and last question. What can the changing of clothes in the play symbolize? The right option is A. Gender and class shifts. So friends, ये थे William Shakespeare के 12th night जो play है उससे related 150 MCQs. So friends, अगर आपको हमारी ये video पसंद आई है तो channel को subscribe करें, video को like करें और share करें. Thanks for watching.